हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी का टाइम हो गया 8 बज गए। मैं अभी रूम से स्टार्ट कर रहा हूँ ब्लॉग। मेरी ट्रेन है 10 बजे की, गुवाहाटी से जयपुर की 10 बजे की ट्रेन है, तो इधर से निकलते हैं। 5 किलोमीटर दूर है रेलवे स्टेशन, तो अभी चलते हैं। बैग सारा मैंने पैक कर लिया, इधर है। मैंने जो रूम बुक कराया था वो कल तो कराया था सिंपल वाला, और आज कराया था डोमेस्टिक रूम। अलग अलग दोनों दिन अलग अलग कराए थे, तो अभी डोमेस्टिक रूम में हूँ मैं। इस प्रकार के डोमेस्टिक रूम होता है। रूम से कर दिया हमने चेकआउट, अब ओला का वेट कर रहे हैं, कब तक आ जाए वो, उसके बाद में निकलते हैं रेलवे स्टेशन। आई रही है। तो अंकल छोड़ने आए हैं, अंकल भैया छोड़ने आए हैं। गाइस अभी आ गया मैं रेलवे स्टेशन, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। काफी बड़ा रेलवे स्टेशन है, शिलोंग जाने की गाड़ी अभी इधर ही है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन अपनी ट्रेन। इसका टाइम तो अभी काफी देर है, तो मैं पानी की बोतल लेके आ जाता हूँ, जब तक ये रेलवे स्टेशन घूम भी लेता हूँ। काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है गुवाहाटी का, और मेरे पास में एक और ट्रेन लगी हुई है, वो सामने की तरफ ये जाएगी, बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। भाई इस ट्रेन का कुछ पता भी नहीं चल रहा, मतलब कभी आगे ले रहे हैं, कभी पीछे ले रहे हैं, मैं कभी कौन से बोगी में चढ़ रहा हूँ, कभी कौन से बोगी में चढ़ रहा हूँ। अभी मैं हूँ S11 में, तो कोई नहीं, अभी S9 में जाऊँगा। S9 में हमारी टिकट है, बोलूँगा काफ़ी दूर है, अभी S9 में जाऊँगा। अभी आगे ली थी ट्रेन, मेरे को लगा चलने लग गई, लेकिन अभी तक चली नहीं है। अभी ट्रेन चलने लग गई और मैं जा रहा हूँ मुरमुरा, मतलब ये नमकीन खा रहा हूँ वहाँ पे टैक्सी का, मतलब सफर में करने का अलग ही मजा है, नमकीन खाते खाते। और पंखे अभी पास में लगे हुए हैं, इनकी आवाज़ का इग्नोर करना वैसे। और अभी तो रवाना हुई है, कामाख्या पहुँचने वाली है कामाख्या रेलवे स्टेशन। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ी खतरनाक नदियों में से एक, इसमें जब बाढ़ आती है ना तो ये सबको बहा के ले जाती है। काफ़ी खतरनाक बाढ़ आती है इधर, अभी आने वाली है। यहाँ पर ब्रिज भी आएगा, ब्रिज के ऊपर से जाएगी अपनी ट्रेन। ये आ गया ब्रिज, देखते देखते रात हो गई और मजा आ रहा है। खाटू श्याम जी का भजन चल रहे हैं, और खाटू श्याम जी का फैन तो काफी हूँ मैं, इधर चल रहा है खाटू श्याम जी का, इससे बहुत ही आनंद है। फिलहाल तो गाइस खाना खाते हैं, इंडियन रेलवे से मंगाया था अभी खाना, देखते हैं किस हिसाब से। आलू की सब्जी है, ये दाल वाला है, बाकी ये पापा ने जो पराठे लाए थे वो है, और ये रोटी है, तो खा के देखता हूँ। खाना बनाने के लिए एक बोगी से दूसरे बोगी में जा रहे हैं, चलते रहो वालों को। रात को हुई चोरी, दूसरा दिन, 2 दिन हो गए मुझे सफर करते हुए। इस ट्रेन में काफी मजा आ रहा है और काफी एडवेंचर हुए। कल रात को तो काफी बड़े बड़े एडवेंचर हुए थे हमारे साथ, क्योंकि रात को 3 बजे चोरी हो गई थी। उसके बाद में मैं पी रहा हूँ अभी सुबह की चाय, काफी शानदार चाय तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है चाय, कोई नहीं चलेगा इतना तो चलता है। कानपुर रेलवे स्टेशन, और मैंने मंगाया अभी कानपुर रेलवे स्टेशन पर ही खाना। मेरा टाइम था ट्रेन का 12 बजे आने का, लेकिन अभी 4 बजे आ रही है, तो 4 बजे मेरे को खाना मिल रहा है अभी। और व्यू दे सकते हो कानपुर रेलवे स्टेशन का, हमारा पूरा डब्बा आगरा का पेठा लेने के लिए चला गया, और पूरा डब्बा एकदम से खाली हो गया है आगरा का पेठा के लिए।
देख सकते हो। गाइस अभी सारे सामान निकाल के खड़े हो गए बाहर की साइड, अभी आने वाला है स्टेशन और हमारा सामान देखो काफी ज्यादा हो गया हमारा सामान। और मेरे साथ तो एक चीज़ हो गई, मेरे जूते ही गायब हो गए, मुझे तो मतलब बिना जूते के जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर रात को अगर शॉप खुली होगी तो मैं चप्पल की एक जोड़ी लूंगा, फिलहाल तो काफी बड़ी लाइन होगी, ये पार होने में भी काफी टाइम लगेगा। और 10 मिनट का स्टॉपेज है एयरपोर्ट का। गाइस सारा सामान अभी निकाल दिए इसी खिड़की में से और बाकी काफी ज्यादा भीड़ हो रखी है। अभी पानी में सारो पीको, नग दे सकते हो काफी ज्यादा नग है। हम जयपुर के काफी लोग मिल गए थे यहाँ पे और पापा इधर सारे भी बाहर से सारा निकाल दिए थे माल, और मैं भी इसी खिड़की से निकला था। अभी पहुंचे हैं जयपुर और बाहर की साइड जाते हैं और चाय नाश्ता करते हैं। पहले कर लिया कुली को, काफी ज्यादा सामान था ना, कुली को बुकिंग कर लिया था, 700 रुपये ले रहे हैं। कोई नहीं, हम तीन जने हैं तो तीन जनों में डिवाइड हो जाएगा, 200-200 रुपये पाते आएंगे। अभी चलते हैं बाहर की तरफ, अभी 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे निकलते हैं के सब 3 नंबर प्लेटफॉर्म से बाहर की तरफ जा रहे हैं, S11, S10 और ऊपर जाने का रास्ता ये है। हम जाएंगे लिफ्ट से यार, कहीं लिफ्ट हो जाए तो आसानी होगी, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है अभी सब के सब। ये जो भी हमारी ट्रेन आई थी ना वो आधे लोग तो खाटू श्याम जा रहे हैं, देखो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। आज बाहर की तरफ निकलते हैं, एग्जिट गेट यहाँ से जयपुर के रेलवे स्टेशन, काफ़ी ज़्यादा बाहर की तरफ भीड़ हो रखी है। यह है जयपुर का रेलवे स्टेशन, फिलहाल तो अपने गाँव तो अपना ही होता है, राजस्थान की धरती पर पैर रख दिया और पैर भी किस हिसाब से रखा, नंगे पैर। गाइस अभी का टाइम हो रहा है 5 बजे, अभी पहुंचा हूं मैं घर पे। आई होप यू एंजॉय दिस माय वीडियो, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। अभी दूसरी जर्नी आने वाली है कल से, तो वीडियो का रास्ता बने रहना, स्किप मत करना, कंटिन्यू सपोर्ट करना। अभी के लिए बाय बाय।